सेलवासमां महावीर स्वामीनी 2621मी जन्म जयंतीनी उजवणी करवामां आवी हती। सेलवासमां श्वेतांबर दिगंबर तेरापंथी अने स्थानकवासी देरासरमां वहेली सवारथी ज भाईओ बहेनोए उमटी पड़ी विशेष पूजन अने अभिषेक कर्युं हतुं। ज्यारे सेलवासमां जैन समाजना संप्रदायो द्वारा संयुक्त रीते शोभायात्रा काढवामां आवी हती, जेमां मोटी संख्यामां जैन समाजना भाईओ बहेनो जोड़ाया हता। आज पूरे जैन समाज में सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, अंतिम तीर्थंकर है। भगवान महावीर के बाद में फिर कोई तीर्थंकर नहीं हुए और अब इस पंचम काल में कोई भी मोक्ष नहीं जा रहा है। आज वर्तमान समय में हमको वर्धमान की महावीर का नाम वर्धमान भी है और राजकुमार वर्धमान है सिद्धार्थ के त्रिशला के पुत्र। तो आज वर्तमान में वर्धमान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यूक्रेन रशिया का जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध में कितनी हिंसा हो रही है। तो महावीर के तो सिद्धांत ही थे अहिंसा अनेकांतवाद जियो और जीने दो सत्य अपरिग्रह, ये महावीर के सिद्धांत थे। अपरिग्रह का मतलब है कि जितनी हमको चीज़ों की ज़रूरत हो उतना ही हमें एकत्र करें। अगर हम ज़्यादा चीज़ एकत्र करते हैं तो उस बाज़ार में उन चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं। और अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करें। हम किसी भी प्रकार की भावों की किसी के दूसरे भावों को और किसी की वस्तुओं को बिना पूछे न लें। तो ये सब महावीर के सिद्धांत हैं। अनेकांतवाद एक बहुत बड़ी महावीर स्वामी की सोच थी। उन्होंने बताया कि एक चीज़ के बारे में एक तरह से हमको नहीं सोचना है। अनेकों विषय हो सकते हैं कि किसी ने क्या बोला उसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे महावीर भगवान के प्रथम गणधर गौतम जी ने महावीर भगवान से पूछा तत्व क्या होता है, तो महावीर भगवान ने पहले उनको जवाब दिया कि जो नष्ट हो जाए। फिर उन्होंने वही प्रश्न किया तो महावीर भगवान ने बोला जो अमर है अजर है। और फिर जो महावीर भगवान से उन्होंने गौतम जी ने पूछा कि तत्व क्या है, तो उन्होंने बोला जिसका कोई अंत नहीं है जो बार बार आता है। तो इसका मतलब है कि अनेकांत बात किसी भी बात को अनेक प्रकार से सोचना और कहना, तो उससे क्या होता है कि हमारी गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। तो ये जब सिद्धांत हैं अनेकांतवाद अहिंसा सत्य अपरिग्रह अस्तेय, तो इससे हमारे विश्व में शांति आ सकती है। जब हमारे यहाँ अहिंसा और हमारी भावनाएं अपरिग्रह की होंगी तो विश्व में कोई भी किसी को लूटेगा नहीं, किसी को हत्याएं नहीं होंगी, तो ये सब चीज़ शांति होगी। और हमारे यहाँ जैन धर्म में रोज़ जब भगवान का अभिषेक किया जाता है तो बोला जाता है सर्व श्री शांति नाथाय नमः सर्व शांति।